कमलनाथ सरकार ने किसानों से कर्ज माफी पर झूठ बोला और किसानों के सिर पर ब्याज की गठरी रख दी। किसानों के सिर पर रखी ब्याज की गठरी हम फिर से उतारेंगे। यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देवास जिले की हाटपिपलिया विधानसभा के शिप्रा मंडल में कार्यकर्ता सम्मेलन में कही। सम्मेलन एबी रोड स्थित लोहार पिपलिया में किया गया था। मुख्यमंत्री सिंह ने कमलनाथ सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि किसानों का 2 लाख का कर्ज माफ करने का ऐलान किया था, लेकिन बार बार नया नया आदेश निकाल कर किसानों को ब्याज के तले दबा दिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से उपचुनाव में जीत दिलाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में उपचुनाव प्रभारी जीतू जिराती ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर सोनकच्छ में पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा के विधायक प्रतिनिधि रहे सुरेंद्र गौतम भाजपा में शामिल हुए। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। बताओ जा रहा है कि नहीं जा रहा है? और कहीं ने कहा कि पात्रता पर्ची नहीं है? हमने फैसला किया कोई ना छूटे, सबकी पात्रता पर्ची बना। 37 लाख गरीब निकले, 37 लाख पात्रता पर्ची लेकर उनको भी राशन शुरू। और मनोज और रवि चिंता ही मत करना, हम कमलनाथ थोड़ी है, जगड़ा नाम जो छूट गया सबको जगड़ा, कोई कभी नहीं आने दूंगा। गरीब की थाली थाली नहीं रहने देंगे। राम की चिड़ैया राम को खेत भाव की चिड़ैया भर भर कोई चिंता नहीं। गरीब कैसे भूखा रहेगा बताइए? रोटी नहीं दे सके तो लाना था सरकार को, काहे की सरकार डूब के मरदाना चाहिए, फिर काहे की सरकार चला रहे। गरीबी हर व्यवस्था बने, सरकार सरकार का अंतर देखिए। कार्यकर्ता भाई पर बहनों जनता में जाके कहिए धांसले मार रहे, गद्दारी कर दी, गद्दारी तुमने की थी। और रिकॉर्ड कर रहा हूं कमलनाथ जी, मध्य प्रदेश के बल्लभ भवन को तुमने दलालों का अड्डा बना दिया था, दलालों का अड्डा। विधायक का दरवाजा बंद, टाइम नहीं है, 24 घंटे 26 नहीं है। और उद्योगपति और बड़ा ठेकेदार आ गया तो सारे दरवाजे खुलाए, दिल के भी और बल्लभ भवन के भी, और फिर बंद तो बताओ कैसे आएगा? परसेंटेज क्या होगा तो बल्लभ भवन और रिकॉर्ड कर रहा हूं मेरा आरोप। रात गवाए घूमते थे दलाल, काम जाओ काम जाओ काम जाओ काम जाओ काम जाओ काम जाओ, कितने दलाल घूमते थे, लाओ काम काम करवा देंगे, पैसा लाओ। प्रदेश को बेचा तो कमलनाथ तुमने बेचा, कांग्रेस ने बेचा, बर्बाद कर दिया तुमने मध्य प्रदेश, विकास का काम ठप, एक गिट्टी नहीं डाली तुमने, पैसे नहीं है और आरोप हम तो लगाते हो। बधाई देना चाहता हूं मनोज तुम्हारे साहस को, जिन्होंने सरकार को गिरा के मध्य प्रदेश को बचा लिया। चौथी बार मुख्यमंत्री बना, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, जरूरत नहीं। अगर ये इस्तीफा ना देते तो मामा चौथी बार मुख्यमंत्री नहीं होते, हम तो झोला टांग के निकल गए थे यार, 4 सालों 5 साल बाद। आदरणीय मनोज चौधरी जी, हमारे युवा नेता आदरणीय विक्रम सिंह पवार जी, जिलाध्यक्ष आदरणीय राजीव खंडेलवाल जी, एक्सीडेंट के बावजूद भी फिर से काम में लग गए आके, हमारे प्रभारी जीतू जिराती जी, भाई दिलीप सिंह परिहार जी, आशीष जी, रघुनाथ जी, पार सिंह जी, 410 करोड़ भैया तुम पत्रकार बहुत तेज है जोर कर। और इसके बाद पिछले साल फसल खराब हुई थी, कमलनाथ जी ने पैसे नहीं दिए, दिए थे क्या बताओ सोयाबीन के? आज मैं जा रहा हूं, मैंने आकलन करवाया है, 4,000 करोड़ राहत की राशि मिलेगी, देवास के हिस्से में भी आएगी, 4,000 करोड़ रुपया वो किसान के खाते में डालूंगा। अब कितने हो गए भैया? 21,410 करोड़ रुपया। और सुनो रे देवास वालों, एक एक किसान जिनकी फसल खराब हुई है, बैंक गेट में आशीष शर्मा भी बैठा है खाते गाँव के आता में, एकाएक सोयाबीन सूख गया तो राहत की राशि। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।